तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। सो फाइनली फ्रेंड्स, 400 करोड़ के हैवी बजट से बन रही ट्रिपल आर मूवी अब अपनी रिलीजिंग पे है। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ये मूवी हमको मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाघर में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। ऐसे में सारे प्रोडक्शन हाउस अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करने की डेट अनाउंस करने में लगे हैं। ऐसे में मच अवेटेड मूवी ट्रिपल आर की भी रिलीज डेट सामने आ गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको इसकी रिलीज डेट और इस मूवी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो इसके पहले ट्रिपल आर मूवी के कई टीजर्स और मोशन पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जो जूनियर एनटीआर रामचरण के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। इस मूवी में आलिया भट्ट और अजय देवगन का भी एक बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। ये पहली बार ऐसा होगा जब बॉलीवुड और टॉलीवुड के स्टार एक साथ एक मूवी में काम करेंगे, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली जैसी मूवी बनाने वाले डायरेक्टर SS राजामौली। बाहुबली मूवी हिट हो जाने के बाद में ऐसा कोई भी स्टार नहीं है जो उनके साथ में काम करने के लिए मना करेगा। ऐसे में आलिया भट्ट और अजय देवगन का एक साथ ट्रिपल आर मूवी में दिखना बहुत ही अमेजिंग होगा। फाइनली अब फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर SS राजामौली ने इस मूवी को रिलीज करने की जो डेट फाइनल करी है वो है 7 जनवरी 2022। जी हाँ, अब ये मूवी हमको 7 जनवरी 2022 को मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाघर में देखने को मिलेगी। क्या ट्रिपल आर भी बाहुबली मूवी जैसे बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स अपने इस चैनल पर सबसे पहले लेकर आते हैं।